तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं शिव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ब्लिंक टू अवेकन में। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं केदारनाथ जी के दर्शन करने आया था। तो बेसिकली हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वो किया था सैटरडे को मॉर्निंग में, और उसके बाद हम लोग सैटरडे नाइट में यहाँ पहुँच गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लिया था, पीछे ही थोड़ा सा 1 किलोमीटर दरबार से 1 किलोमीटर पहले हमें कैंप मिल गया था, तो वो ले लिया हमने। उसके बाद फिर हमने सुबह जो उठे थे हम लोग 8 बजे लाइन में लगे थे, और जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा VIP कल्चर बहुत है, तो जिसकी वजह से हमें 5 से 6 घंटे लग गए दर्शन करने में। और बाकी तो फिर अभी जस्ट दर्शन करके आए हैं, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बाकी जो मैं इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आगे आपको जो मैं देता रहूँगा। देखते हैं गाइस, पहुंच गए हैं देवप्रयाग, और अब यहां से यहां पे लंच करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे सोनप्रयाग। तो फर्स्ट ब्रेक लिया है यहां पे, तो यहां पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप यहां पे आके खाना वाना खा सकते हैं। अब आगे पता नहीं, सब बता रहे थे कि वहां पे ज़्यादा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं, तो यहां पे ऑप्शन है 1-2, तो यहां देखते हैं, यहां ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं देवप्रयाग, और अब यहाँ पे जो संगम है वो दिख रहा है सामने ही मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, एक नदी इधर से आ रही है ये, और एक इधर से, दोनों के यहाँ संगम हो रहा है। तो ये है देवप्रयाग पर संगम। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, ah, ah.
भैया रेनकोट कितने का है? ये 130 रुपए का। 130 और ये सेम है? ये गांधी वाला। ये कितने का? 400। अच्छा, और ये भी वो है? कौन सा वाला? ये जैकेट है, ये वाइट वाले 130। अच्छा, यही वाले हैं? 130। अच्छा, ये तो कलर है ना, ये भी चार कलर इस वाले के हैं। और क्या क्या रहेगा अभी अपने पास? यही चाहिए, ये तो सही आया था आपके। और क्या क्या रहेगा अपने पास? अपने पास जैकेट रहने वाला है, टोपर रहने वाला है। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में, और यहाँ पे रात को हम लोग को पहुँचे हो गए थे, 1:30 बज गया था तब हमें रूम मिला, और मिल गया था, थोड़ा सा पीछे आना पड़ा। एक जगह है इनका सीतापुर में, हमने ट्राई किया, वहाँ सारे खुलते, और सोनप्रयाग में भी खुलते, तो उससे पहले आए थे हम लोग रामपुर करके जगह है, वहाँ पर हमें फ्लैट मिला, वो रूम मिल गया था, सॉरी। तो ये देखिए जो सामने ये है, ये होटल है, इसमें एक रूम मिल गया था, इसमें 3 बेड पड़े हुए थे, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, और ये इतने सारे होटल थे। तो रूम्स का था ऐसे चार्ज, इस टाइम काफ़ी रश है, बट स्टिल हमें मिल ही गया था, तो ऐसा कोई इशू हुआ नहीं। तो अभी हम लोग बस रेडी हो गए हैं, और बस अब निकलते हैं यात्रा के लिए। अरे गाइस, ये व्यूज़ देखिए, पीछे का व्यू देखिए, तो पूरे क्लाउड्स हैं। तो गाइस, रूम का मैं आपको बता दूं, ये रात को हमने लिया था, तो थोड़ा सा इन्होंने 3 बेड थे, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, हमने इनसे बात करी तो इन्होंने 1500 बोला था, और एट लास्ट हम लोगों ने 1000 में, क्योंकि हमें रात रात को रुकना था, तो हमने इन्होंने से बात करी तो उन्होंने हमें 1000 रुपीज़ में दे दिया था रात के लिए। तो एक रात के लिए 5 लोगों के लिए 3 बेड, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, वो हमें मिल गया 1000 रुपीज़ में, और बाकी और भी रूम थे सबका रेट यही था, एक रूम का 1500। तो बाकी आप आओ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सीज़न में देखो यार, ये रोड कंडीशन बहुत ख़राब हैं रुद्रप्रयाग के बाद, तो बाकी चलो आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी पार्क कर दी है ये इधर, हम अभी हैं सोनप्रयाग में, और यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम लोग गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड के लिए आगे से हमें टैक्सी मिलेगी गवर्नमेंट, तो वहाँ से हम पहुँचेंगे गौरीकुंड, उसके बाद अपने ट्रैक शुरू करेंगे। तो रेडी हो चुके हैं, तो इधर आप आओगे तो आपको ये बरसाती मिल जाएंगी। तो वैसे तो मैं जैकेट पहनूंगा, अभी बरसात के ऊपर से पहनूंगा, अभी मैंने बैग को पहना दिया, और चलते हैं अभी फिर ट्रैक शुरू करते हैं। हर हर महादेव। इधर आप गाड़ी वगैरह कुछ भी पार्क कर सकते हो, अपना अपना पूरा स्पेस है, नीचे भी है पूरा पार्किंग, और इधर भी बाइक्स के लिए भी एम्पल स्पेस है, पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छे नंबर में पार्क हो जाएंगी गाड़ी बाइक्स। ये सोनप्रयाग की मार्केट है, जैसे ही आप पार्किंग से निकलेंगे पूरी मार्केट पड़ेगी, इसमें आपको अगर कुछ वुलेंस चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, आपको नीड का सामान सारा मिल जाएगा, जैसे कि आपको बरसाती चाहिए, रेनकोट चाहिए, या फिर आपको स्टिक्स चाहिए, बैग चाहिए, मफलर चाहिए, स्कार्फ वगैरह, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके गौरीकुंड का वो आ जाएगा, आपका स्टैंड आ जाएगा गौरीकुंड के लिए, जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, और उसके आगे बस फिर ट्रैक शुरू कर देंगे। तो अभी जितना मैंने पता किया, यहाँ पे शॉप पर पता किया था, तो बता रहे थे कि 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं वो, और बाकी आगे चल के आपको बताते हैं। तो फाइनली गौरीकुंड पहुंच गए हैं, और यहाँ से अभी से टैक्सी से उतरे हैं और ट्रैक स्टार्ट कर। तो रश की वजह से हमारी गाड़ी वाले ने हमें पीछे उतार दिया था। तो यहाँ से हम लोग अपने ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फुट ट्रैक, तो अभी 16 किलोमीटर से जैसे लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग तो हैं काफ़ी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी तो ट्रैक पर, जैसा कि अभी स्टार्ट किया है। तो
लेट्स सी आगे कैसे मिलता है। व्यू बहुत ही प्यारा है, ट्रैक करने में मज़ा आएगा। बगल में नदी बह रही है, और पूरे क्लाउड्स हैं पास में, पूरा ज़ोर से बारिश हो रही है इस टाइम तो। अभी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट हाँ करते हैं, मज़ा आएगा। मौसम देख के तो मज़ा आ रहा है, अभी स्टार्ट ही किया है, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। मिलते हैं आगे, जब तक थोड़ा सा नज़ारों को मज़ा लीजिए और इन्जॉय करिए ट्रैक को और इस मौसम को। थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके फिर यहाँ पर से वो पॉइंट आता है, यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे खच्चर ट्रैक करने के लिए, आप उन्हें भी हायर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने खच्चरों को पूछा था, तो अगर खच्चर आपको ऊपर तक के लिए करना है तो जाने जाने का 5000 रुपये है और उतरने का वहाँ से 1500 रुपये बता रहे हैं। बाकी आप बात कर सकते हैं, थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा थोड़ा कम। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक चौड़ा हो गया है, वाइड है थोड़ा सा, नीचे काफ़ी पतला था। Thank you.
खुल गया है, धूप आ गई अब। बारिश बंद हो गई, धूप आ गई है, गर्मी लगने लगी है। पूरे ट्रैक पर आपको ऐसे व्यूज बढ़िया एकदम, इधर ये बादल, सूरज निकल रहा है, रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। आई गेस अब थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, शंभो भाई साहब, रास्ते में ऐसे वाटरफॉल बहुत पड़ रहे हैं। पूरा ट्रैक हरा भरा हो रखा है अभी। अभी तो थोड़ा ही चढ़े हैं अभी ऊपर, और हालत खराब होने लगी है। पूरा क्लाउड्स आ गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग और टॉयलेट है यहाँ पर, उसके लिए बोर्ड मिलेंगे, इंडिकेशन सॉरी। आधा रास्ता भी नहीं हुआ, थोड़ा सामने का व्यू, हर हर शंभो। हर हर बोले, जैसे 5-6 किलोमीटर ट्रैक कर लोगे उसके बाद आपको ऐसे दो रास्ते मिलते हैं, एक तो ये इधर से कट जाता है, और एक ये जिससे ये आ जो आ रहा है, तो ये जो कट जाता है मिलते दोनों एक ही जगह पर है, ये जो ब्रिज दिख रहा है इसके बाद, और दोनों एक ही हैं, किसी से भी आप आ सकते हो, बट थोड़ा सा इस पर जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा इस पर स्लोप ज़्यादा है तो चढ़ना पड़ेगा, तो चढ़ाई ज़्यादा आ रही है इस पर,
और ये जो ये रास्ता है नॉर्मल है, तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोग इससे आ सकते हैं, जो नॉर्मल ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते। बाकी वैसे तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। छः किलोमीटर आज भी बचा हुआ है, 10 किलोमीटर। और सामने का नज़ारा देखें, बहुत तेज फ्लो है। बहुत चढ़ाई है, 5 किलोमीटर के बाद बहुत चढ़ाई है, पर नज़ारे तो जी रामबाड़ा से आगे आ गए हैं और यहाँ से दिख रहा है बहुत बढ़िया नज़ारा। तो नज़ारा दिख रहा है तो दिखा भी देते हैं। हो जाएगा, इतना सुंदर दिख रहा है। बर्फ पड़ी हुई है, पूरा बादलों ढका हुआ है। तो फाइनली अब पहुंच गए हैं छोटी लिंचोली, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया यहाँ पे और अब आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार है, सेकंड नाइट व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अभी तो काफी चलना है, चलिए ऊपर चल के मिलते हैं। फाइनली पहुंचने वाले हैं, 3-4 किलोमीटर मिले और रात हो गई है और कुछ ऐसा नज़ारा है। 10 बज रहे हैं, ट्रैक पर लाइट्स लग गई हैं,
चलो। तो भाई अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये लास्ट पड़ाव है जहाँ तक खच्चर आते हैं। तो यहाँ से हर किसी को आगे पैदल ही ट्रैक करना पड़ता है। तो अब बस 2-2.5 किलोमीटर रह गए, पहुँच गए हैं अप्रोक्स। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे 7:30 और अभी हम लोग जाने वाले हैं दर्शन के लिए, रेडी हो गए हैं और अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, दिखा दूँ। पहले ज़रा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। हम लोगों ने रात को टेंट में स्टे किया था, आज जिसके चार्जेस थे, हमें एक अलग ही सेपरेट टेंट मिल गया था। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, इसमें हम लोग 5 लोग थे, उन्होंने एक दे दिया था और जिसका रेंट पड़ा हमको एक दिन का 2000 रुपये और बाकी आप आ सकते हो तो ऐसे 1500-2000 में 3-4 लोगों का हो जाता है। तो यही अवेलेबल था, तो 2000 रुपये का लगा, 1500 का भी था जो 4 लोगों के लिए टेंट होता है, उसमें एडजस्ट हो सकते हो 5 लोग। तो ऐसे चार्जेस हैं, आके आप यहाँ रह सकते हो। और लोकेशन है टेंट, जी टेंट है सारे में, आपको इजीली मिल जाता है उसी दिन पे, तो भीड़ होती है बट, और साथ ही ये व्यू मिलता है आपको, सुंदर है। तो जैसे ही आप केदारनाथ पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर ये जहाँ से यात्रा शुरू होगी मंदिर के लिए, वहाँ पे आपको एक ये बूथ मिलेगा जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करा के फिर आगे दर्शन के लिए जाएंगे। और बाकी इधर जीएमवीएन के गेस्ट हाउस वगैरह हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं रात को, और काफ़ी हैं इधर, और कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, प्राइवेट हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं अपने, तो भी आप देख सकते हैं ऑप्शंस। मंदिर के बगल का मार्केट, यहाँ से प्रसाद या फिर किसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी हो तो कर सकते हैं।
और ये बाबा केदारनाथ का मंदिर सामने आप पहुँचे। दर्शन हो गए हैं और नजारा है केदारनाथ बाबा का। भीड़ ऑफ सीजन होने के बावजूद 5 घंटे बाद लाइन में नंबर आया तो दर्शन हुआ, दर्शन अच्छा हुआ। ये पीछे मेरे भीमशिला जिसने आपदा के टाइम पे मंदिर को बचाया था। चलो और ये कुछ हमारे साथीगण। भीमशिला आपदा के टाइम पे जिसने मंदिर को बताया था।